Bismillahirrahmanirrahim. Okay ji, so today we are going to start our next study design, which is cohort study design. ठीक है जी. So इससे पहले हमने दो study designs को cover किया है. One was cross sectional and the other one was case control. So आपने उन दोनों को अपने mind में रखना है, क्योंकि आज हम जो cohort study design करने जा रहे हैं उसका फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे. केस कंट्रोल से या क्रॉस सेक्शन से क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो जब आप उनको डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा किस स्टडी डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको आधे से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग स्टडी डिजाइन. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा हम लोग देख लेते हैं कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन के अंदर हम बेसिकली किस तरह से कंडक्ट करते हैं कोई भी रिसर्च को. पेज नंबर इज 179 फ्रॉम योर बुक, और अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम पे देखें, पेज नंबर 179 आपकी बुक के अंदर बिल्कुल बॉटम के ऊपर स्टडी डिजाइन आपको इलैबोरेट किया हुआ है कोहॉर्ट स्टडी का. ठीक है, सो अगर आप बेटे यहाँ पे देखो तो अब जरा केस कंट्रोल का स्टडी डिजाइन और इसका स्टडी डिजाइन आपने जरा साइमल्टेनियसली लेके चलना है. अगर तो आपके पास दो उसका स्क्रीनशॉट है वो अपने सामने रख लो, या आपने अगर नोट किया है इवन बेटर अपने कॉपी पे नोट्स में जहाँ पे भी, तो उसको जरा सामने रखो फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, तो आपको बड़ी सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. अच्छा, नाउ इफ यू रिकॉल फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर, हम जब केस कंट्रोल स्टार्ट कर रहे थे तो हम कहाँ से कर रहे थे? वी वर स्टार्टिंग ऑफ विद केसेस एंड कंट्रोल्स, ऐसे ही है. और हमने फिर एरोज ऊपर की साइड पे शो किए हुए थे, जिससे हमें पता ये चला था कि केस कंट्रोल के अंदर हम बैक इन टाइम जाते हैं. और फिर हमने इसी तरह कल के परसों एक टर्मिनोलॉजी भी पढ़ी थी कि अदर नेम फॉर केस कंट्रोल स्टडीज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, याद है? और मैंने आपको बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जनाब जो चीज पास्ट में या हिस्ट्री में हुई भी हो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि केस कंट्रोल स्टडी में हम स्टार्ट करते हैं डिजीज से वर्सेस नॉन डिजीज से, केसेस से वर्सेस कंट्रोल से, और फिर पास्ट में जाके देखते हैं कि किसको एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर था और किसको एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर नहीं था. एज अपोज्ड टू दैट, जब हम बात करते हैं कोहॉर्ट स्टडी की, तो कोहॉर्ट स्टडी में अगर आप देखो पेज नंबर 179 के बॉटम के ऊपर, तो कोहॉर्ट स्टडी बेटे किस चीज से स्टार्ट हो रही है? कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट हो रही है एक्सपोज्ड से और अनएक्सपोज्ड से. ये देखो ऑरेंज से बॉक्स में लिखा हुआ है एक्सपोज्ड, एंड उसके साथ राइट साइड पे लिखा हुआ है व्हाइट बॉक्स में नॉट एक्सपोज्ड. केस कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? केसेस और कंट्रोल से. नाम से याद रख, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं, नाम से पता चल रहा है. केस कंट्रोल स्टडी केस कंट्रोल से ही स्टार्ट हो रही है, कोहॉर्ट स्टडी एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो यही बेसिक मेजर डिफरेंस है, यही इन दोनों को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, इन दोनों स्टडी डिजाइन्स को. सो आपसे पेपर में, एग्जाम में, इंटरव्यू में, जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी कोई पूछता है कि जी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टडी डिजाइन्स, अगर आप उसको ये एक सिंपल चीज समझा दोगे कि जी केस कंट्रोल के अंदर वी स्टार्ट ऑफ विद केसेस एंड कंट्रोल्स, और फिर हम जाके पास्ट में एक्सपोजर चेक करते हैं, और कोहॉर्ट के अंदर भी स्टार्ट ऑफ विद एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड, एंड फिर हम उनका जाके डिजीज डेवलपमेंट चेक करते हैं. अगर आप इतना सिंपल स्टेटमेंट किसी को बता दोगे तो दैट पर्सन वुड नो कि अच्छा इस इंसान को, इस बंदे को स्टडी डिजाइन आते हैं, इसने कहीं से एपिडेमियोलॉजी पढ़ी है, इसको सेंस है कि व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी और स्टडीज हम एपिडेमियोलॉजी में कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों स्टडी डिजाइन्स में, केस कंट्रोल में और कोहॉर्ट में. केस कंट्रोल स्टडी वी स्टार्ट ऑफ विद केसेस एंड कंट्रोल्स, एंड देन वी गो बैक इन टाइम बाय टेकिंग मेडिकल हिस्ट्री, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज, एंड देन वी determine the exposure or the risk factor. While in case of cohort studies we start off with the exposed and unexposed, and then we wait for the development of. ठीक है, सो अब अगर आप अब जरा फोकस करते हैं स्पेसिफिकली कोहॉर्ट पे. अब कोहॉर्ट पे अगर आप देखो तो एक्सपोज्ड से हमने स्टार्ट लिया और अनएक्सपोज्ड. लेट्स से 100 लोग थे मेरे पास एक्सपोज्ड. स्मोकिंग और लंग कैंसर की एग्जांपल कोई लेके चलते हैं सो दैट वो कंपैरेटिव भी आप उसको साथ देखते रहो केस कंट्रोल के साथ. हमने कल स्मोकिंग और लंग कैंसर की एग्जाम्पल ली थी जब हम केस कंट्रोल करने जा रहे थे. आज हम फिर स्मोकिंग और लंग कैंसर की एग्जाम्पल ले रहे हैं जब हम कोहॉर्ट स्टडी करने जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कोहॉर्ट स्टडी जनाब की करनी है और हमने लेना है, हम वही एसोसिएशन देखना चाहते हैं कि क्या स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक है स्मोकिंग और एक है लंग कैंसर। इसमें से डिजीज क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि हमारा जो डिजीज है वो लंग कैंसर है और एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर हमारा क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैंने कोहॉर्ट स्टडी करनी है तो मैं कोहॉर्ट स्टडी के लिए क्या करूंगा, मैं लूंगा 100 ऐसे लोग जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं एक्सपोज्ड, और 100 ऐसे लोग लूंगा जो स्मोकिंग नहीं करते। 100 एक्सपोज ले लिए, 100 अनएक्सपोज ले लिए। अगर मैं स्मोकिंग और लंग कैंसर पे कल की तरह केस कंट्रोल स्टडी करना चाहूं जैसे कल की थी, तो मैं क्या लेता, 100 ऐसे लोग जिनको लंग कैंसर है और 100 ऐसे लोग जिनको लंग कैंसर नहीं है। ठीक है, लेकिन आज क्योंकि मैं कोहॉर्ट स्टडी करने जा रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, 100 ऐसे लोग जिनको जो स्मोकिंग करते हैं और 100 ऐसे लोग जो स्मोकिंग नहीं करते। अब जनाब 100 लोगों को मैंने अपने पास रजिस्टर कर लिया, टोटल 200 लोग हो गए। अब मैंने ये करना है कि मैंने इनका वेट करना है कि भाई इन 100 लोगों में से जो स्मोकिंग करते हैं और इन 100 लोगों में से जो स्मोकिंग नहीं करते, किसको लंग कैंसर डेवलप होता है और किसको लंग कैंसर डेवलप नहीं होता। अब ये मैंने वेट करना है। अच्छा, जो रिसर्च से हमें बेटे पता चला है, लंग कैंसर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है एटलीस्ट 10 ईयर्स। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको पढ़ा भी दिया हुआ है एपिडेमियोलॉजी में, जब हमारी फिजिकल नॉर्मल कन्वेंशनल क्लासेस होती थी, और मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, सो जो लंग कैंसर का इंक्यूबेशन पीरियड है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स आइडेंटिफाई हुआ है। इसका ये मतलब है, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक ऐसी स्टडी करनी है जिसके अंदर हमने ये देखना है कि क्या स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है या नहीं होता, तो उस स्टडी के लिए कम से कम हमें कितने साल वेट करना पड़ेगा, 10 साल वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो एक स्टडी की, एक रिसर्च की ड्यूरेशन कितनी होगी, कम से कम 10 ईयर्स। क्यों होगी 10 ईयर्स? 10 ईयर्स तो बहुत लंबा टाइम नहीं है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स भी बहुत लंबा है वैसे तो। व्हाई नॉट 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या मे बी 1 ईयर। वो बेटे इसलिए उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि भाई लेट से अगर मैंने आज से स्मोकिंग करना स्टार्ट की है और मुझे स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होना है, तो कम से कम मुझे 10 साल चाहिए लंग कैंसर डेवलप करने के लिए। इट डज नॉट हैपन कि आज से मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की और मुझे इमीडिएटली कल लंग कैंसर डायग्नोज हो जाएगा या 2 साल में लंग कैंसर डायग्नोज हो जाएगा। मेरी बॉडी को वो वेयर एंड टियर, वो डिटेरियरेशन के लिए लंग्स को, कैपिलरीज को एटलीस्ट 10 ईयर्स चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग को 20 साल में हो सकता है कुछ लोग को 30 साल में हो, वो डिपेंड करता है ना भी बहुत सारे फैक्टर्स पे, इम्यूनिटी पे, डिजीज हिस्ट्री पे, कितनी फ्रीक्वेंटली स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और बाकी आपका ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, विटामिन सी का इंटेक कैसा है, इम्यून ऑप्टिमाइजिंग न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कैसा है, XYZ, प्रोटीन, जिंक, विटामिन सी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो दैट मीन्स के मिनिमम टाइम कोहॉर्ट स्टडी, अगर आपसे कोई पूछता है भाई कोहॉर्ट स्टडी कितनी लंबी होती है, आपने कहना है कि भाई कोहॉर्ट स्टडी की कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती। कोहॉर्ट स्टडी की लेंथ डिपेंड करती है डिजीज ऑफ इंटरेस्ट के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कोहॉर्ट स्टडी कितनी ड्यूरेशन की होती है, कितनी लंबी होती है, आपने उसको कहना है जनरली तो वैसे बहुत लंबी ड्यूरेशन की होती है, इट कैन गो अप टू ईयर्स, लेकिन एक्चुअली कोहॉर्ट स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करता है डिजीज ऑफ इंटरेस्ट के इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। जाहिर है जो डिजीज ऑफ इंटरेस्ट का इंक्यूबेशन पीरियड है उससे कम की अगर बेटे हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं तो दैट इज इलॉजिकल, दैट इज रबिश, वो करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब कमिंग बैक टू आवर ओन एग्जांपल, जो हम सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर की कर रहे थे, कि जब मैंने 100 लोग ले लिए स्मोकर्स और 100 लोग ले लिए नॉन स्मोकर्स, अब मैंने 10 साल वेट करना है। अब ग्रुप ए को जो एक्सपोज्ड हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, 10 साल के बाद उसमें से फर्दर मेरे पास 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। कैसे 2 ग्रुप्स बनेंगे? एक वो ग्रुप होगा जो स्मोकिंग करता था और उनको लंग कैंसर हो गया, लेट से 50 ऐसे लोग हैं, और 50 ही ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते थे, मेरे पास स्मोकिंग वाले ग्रुप में थे, लेकिन उनको लंग कैंसर 10 साल के बाद नहीं। ये ए और बी आ गया मेरे पास। अब जनाब जो दूसरा मेरे पास मेजर ग्रुप था जो स्मोकिंग नहीं करता था, उसमें से भी 10 साल के बाद मेरे पास दो ग्रुप्स आ जाएंगे। एक वो ग्रुप है जो स्मोकिंग ना करने के बावजूद उनको लंग कैंसर हो गया, मे बी एयर पोल्यूशन की वजह से या भाई XYZ किसी की भी वजह से, C इसको हम C से डिनोट करेंगे। और एक ऐसा ग्रुप है जिसने स्मोकिंग भी नहीं की और 10 साल बाद जब हमने उनको देखा तो उनको लंग कैंसर भी नहीं हुआ, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे टिपिकली वही, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन के थ्रू स्टडी कंडक्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हमें चार ग्रुप्स ही मिल रहे होते हैं, वही ABCD, वही हमें चार ग्रुप्स कोहॉर्ट स्टडी के एंड पे भी हमें चार ग्रुप्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो होपफुली यू आर क्लियर टिल हियर। ठीक है, अच्छा अब जरा आ जाओ पेज नंबर 180 पे। ये टॉप के ऊपर एक टेबल दिया हुआ जब अच्छा ओके, जब बेटे कल हम, हाँ मुझे जरा बता देना, मैं वो इतना स्टडी डिजाइन में घुस जाता हूँ कि वो फिर पता नहीं चलता। अच्छा जब कल हम केस कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि केस कंट्रोल के अंदर हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, ऑड्स रेशियो OR। ठीक है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज जिस इंडिविजुअल को थी वो एक्सपोज्ड था उस सर्टेन रिस्क फैक्टर से। ठीक है, वो मैंने कहा था मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं केस स्टडीज करके। जब हम कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं तो वहां पे हम ऑड्स रेशियो कैलकुलेट नहीं करते, वहां पे हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क RR। क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क RR हम इसको कहते हैं। ठीक है, रिस्क याद है आपको हम किस चीज को कहते होते थे, इंसिडेंस को। मैंने हमेशा आपको इंसिडेंस और प्रेवलेंस में डिफरेंस समझाया है कि प्रेवलेंस होती है बेटे डिजीज बर्डन और इंसिडेंस होते हैं डिजीज रिस्क। ऐसे ही है, प्रेवलेंस हम किस स्टडी में देखते थे, क्रॉस सेक्शनल में। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का दूसरा नाम क्या था, प्रेवलेंस स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या देखते हैं, इंसिडेंस। क्यों इंसिडेंस, इसलिए क्योंकि हम इसमें सिर्फ न्यू केसेस लेते हैं, पुराने केसेस को तो लेते ही नहीं है। भाई मैंने स्टडी स्टार्ट की स्मोकर्स को लेके और नॉन स्मोकर्स को लेके, अब मैं 10 साल वेट कर रहा हूं किसको लंग कैंसर होगा, किसको होगा। तो ये सारे न्यू केसेस है ना जो मेरे पास आएंगे, मैंने कोई ओल्ड केस वाला तो लिया ही नहीं कि भाई पहले से इसको लंग कैंसर है, ओल्ड केस है, मैं तो उनको ले ही नहीं रहा। मैं तो स्टडी स्टार्ट ही उन लोगों से कर रहा हूँ जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करते। तो इसका मतलब है मैं सिर्फ उन केसेस को अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहा हूँ जो मेरे लिए न्यू केसेस होंगे। इन अदर वर्ड्स कोहॉर्ट स्टडी में हम इंसिडेंस फाइंड करते हैं किसी भी डिजीज। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। So, कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि कोहॉर्ट स्टडी में इंसिडेंस हमें पता चलती है या प्रेवलेंस पता चलती है, तो आपने सिंपली उसको जवाब देना है कि भाई कोहॉर्ट स्टडी में हमें इंसिडेंस डिटरमिन हम करते हैं। क्यों करते हैं, अगर वो आपसे पूछता है तो आपने कहना है कि भाई इंसिडेंस इसलिए करते हैं कि वी ओनली कंसिडर नंबर ऑफ न्यू केसेस और न्यू केसेस आर कंसर्न्ड विद द इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपने अपने माइंड में रखनी है। कल जब हम केस कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे या फॉर दैट मैटर इवन क्रॉस सेक्शन जब डिस्कस कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे टेम्पोरल रिलेशनशिप हम डिटरमिन नहीं कर सकते। टेम्पोरल रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई टाइम बेस्ड इवेंट्स हो, यानी पहले एक्सपोजर हो फिर डिजीज हो, तभी हम कह सकते हैं ना कि भाई इस एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज हो रही है। भाई अगर मैं पहले स्मोकिंग करूं फिर मुझे लंग कैंसर हो तो आप मुझे कह सकते हो ना कि भाई अच्छा स्मोकिंग की वजह से तुम्हें लंग कैंसर हुआ। अगर मुझे लंग कैंसर है ऑलरेडी और उसके बाद मैं स्मोकिंग स्टार्ट करता हूं, ऐसा पॉसिबल है ना कि भाई किसी को लंग कैंसर हो उसके बाद वो कहे अच्छा चलो मरना तो है ही, चलो यार स्मोकिंग का भी मजा ले लें, हो सकता है ना भाई, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो क्या हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि भाई इसको लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से वो नहीं कह सकते? क्यों? इसलिए कि स्मोकिंग तो उसने शुरू ही बाद में की है। भाई इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आप बारिश में घर से बाहर निकले और आपको बुखार हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि भाई बारिश में निकलने की वजह से आपको बुखार हुआ। ठीक है, बारिश क्या थी? एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर, और बुखार क्या था? आपकी डिजीज थी। तो ये टेम्पोरल रिलेशनशिप है कि भाई आप पहले एक्सपोज हुए, बारिश में निकले, फिर आपको बुखार हुआ, डिजीज हो गई। टेम्पोरल रिलेशनशिप। अब अगर आपको पहले से ही बुखार था, पहले से ही फॉर वन रीजन और द अदर, और उसके बाद आप बारिश में बाहर निकले, तो क्या आप कह सकते हो कि बेचारी बारिश की वजह से आपको बुखार हुआ? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। भाई बुखार तो आपको पहले ही था, उसके बाद आप बारिश में निकले हो, तो बारिश बेचारी का क्या कसूर है? गेटिंग माय पॉइंट? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि क्रॉस सेक्शनल में या फॉर दैट मैटर केस कंट्रोल में टेम्पोरल रिलेशनशिप हम एज सच डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोहॉर्ट स्टडीज टुडे, कोहॉर्ट स्टडी के अंदर वी कैन एस्टैब्लिश अ टेम्पोरल रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर क्योंकि पहले होता है, हम स्टार्ट ही एक्सपोजर से कर रहे हैं ना भाई, हमने स्टार्ट में ही स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स लिए थे, और डिजीज बाद में होती है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आपने याद ये रखना है कि जब भी कोहॉर्ट स्टडी की हम बात करेंगे, तो इसका मतलब है वहां पे हम टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आया है किसी को? या रादर सर, ऑनेस्टली नहीं सर, ऑनेस्टली इतना क्लियरली नहीं। अच्छा, नहीं समझ। ठीक है, मैं दोबारा बेटे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी करते हैं कंडक्ट, तो वहां पे हम टेम्पोरल रिलेशनशिप डिटरमिन नहीं कर सकते। अब ये टेम्पोरल रिलेशनशिप क्या होते हैं? टेम्पोरल रिलेशनशिप इज समथिंग व्हिच इज टाइम बेस्ड, सीक्वेंस के हिसाब से हो रहा है। अगर मैं रेस में भागूंगा तो मैं फर्स्ट आ सकता हूं ना, एग्रीड? अगर मैं भागूंगा ही नहीं तो क्या मैं फर्स्ट आ सकता हूं? यानी अगर मैं किसी चीज से एक्सपोज होऊंगा तो मुझे उसका आउटकम मिलेगा ना। अगर आप पढ़ोगे तो आप पास होगे ना। पढ़ाई क्या है? एक्सपोजर। पास होना क्या है? आउटकम। अगर मैं गाड़ी में बैठूंगा, ड्राइव करूंगा, तो मैं मार्केट पहुंचूंगा ना। घर बैठे बैठे तो मार्केट नहीं पहुंच सकता। तो गाड़ी में बैठना क्या है? एक्सपोजर। और मार्केट पहुंचना क्या है? आउटकम। अगर मैं मल्टीविटामिन लूंगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से प्रिवेंटेड रहूंगा ना। तो मल्टीविटामिन लेना क्या है? एक्सपोजर। इट्स अ गुड एक्सपोजर ना इस केस में। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से प्रिवेंट होना क्या है? आउटकम। इसका मतलब है ये जितनी 5-6 मैंने एग्जांपल्स दी, ये सारी क्या थी? टेम्पोरल थी, टाइम बेस्ड थी। पहले एक्सपोजर हो रहा था, फिर डिजीज हो रही थी या आउटकम हो रहा था। जरूरी मार्केट पहुंचना कोई डिजीज नहीं है, आउटकम। तो पहले एक्सपोजर, फिर आउटकम, पहले रिस्क फैक्टर, फिर डिजीज। ये टेम्पोरल सीक्वेंस है। ये टेम्पोरल सीक्वेंस हम क्रॉस सेक्शनल या केस कंट्रोल में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे पहले एक्सपोजर और फिर डिजीज हो। कैसे भाई? केस कंट्रोल में तो हम स्टार्ट ही डिजीज से कर रहे थे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज हुई? हमें तो नहीं पता ना बेटे, हम तो स्टार्ट ही डिजीज से करें। हमें क्या पता अभी जब हम स्टार्ट करें कि इस बंदे का एक्सपोजर क्या था। वेयर एज जब हम कोहॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोहॉर्ट में हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? एक्सपोजर से। स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स। और कहां तक जा रहे हैं? लंग कैंसर डेवलप होने तक। तो अब हम कह सकते हैं ना कि भाई स्मोकिंग की वजह से आपको लंग कैंसर हो रहा है, लेकिन अगर हम केस कंट्रोल में होते तो हम स्टार्ट करते लंग कैंसर वर्सेस नॉन लंग कैंसर पेशेंट्स। तो हम उसमें कैसे कह सकते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हुआ? ये तो हमें पता ही नहीं इनमें से कौन स्मोकिंग करता था और कौन नहीं करता था। जब हम कोहॉर्ट करें तो हमें पता है ना, ये 100 लोगों का ग्रुप है जो स्मोकिंग करता है, ये 100 लोग का ग्रुप है जो स्मोकिंग नहीं करता। अब 10 साल बाद जब हमें स्मोकिंग वाले ग्रुप में से लेट से 90 को लंग कैंसर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ओके, यस, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। अब क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और बेटे किसी और को क्लियर ना हुई हो ये टेम्पोरल रिलेशनशिप वाली चीज स्पेसिफिकली। अच्छा, दैट मींस वी आर गुड टू गो। दैट्स गुड, आई एम हैप्पी। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन ऑफ स्टडी पॉपुलेशंस। अच्छा, ये तो बेटे आपको अभी तक कॉमन सेंस भी जस्ट आप यूज करो। हम वैसे सारे स्टडी डिजाइन, देखो जो भी चीज होती है, कोई मेथड, कोई प्रोसीजर, कोई जिंदगी में चीज, सोशल मीडिया की बात कर लो या कोई प्रोसीजर कर लो, कोई मेथड, हर चीज के अपने प्रॉज होते हैं, हर चीज के अपने कॉन्स होते हैं, हर चीज के अपने बेनिफिट्स होते हैं, हर चीज के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसी तरह ये जितने भी स्टडी डिजाइन हम पढ़ रहे हैं इन सब में से हर एक के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने ड्रॉबैक्स हैं। वो इंशाल्लाह जब हम सारे पढ़ लेंगे तो हम डिटेल से साथ ही देखेंगे कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन इन जनरल अभी मैं बात करूं, अगर आप जस्ट अपना कॉमन सेंस भी यूज करो तो डेफिनेटली एक दो बातें तो आपको बड़ी क्लियरली कोहॉर्ट स्टडी से पता चल रही है। वो क्या बातें हैं? नंबर 1, कोहॉर्ट स्टडीज आर वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देखो, अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलें, ये स्मोकिंग और लंग कैंसर वाली भी, तो दैट मीन्स कि भाई 10 ईयर्स की हमारी मिनिमम स्टडी हमें चाहिए। 10 ईयर्स इज इट्स अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन विद रिगार्ड्स टू अ स्टडी। एक स्टडी करनी है, ठीक है, और पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, कोहॉर्ट स्टडीज मस्ट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपने बेटे 10 साल तक एक स्टडी को कंडक्ट करना है। आई मीन 10 साल आपने कंटिन्यूसली उन लोगों से फॉलो अप लेते रहना है उनका। जैसे अगर लंग कैंसर वाली ही हम एग्जांपल हैं तो मे बी हर 6 महीने बाद आपने उनको लंग कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट उनका करवाना है। अगर मिनिमम भी देखो, हम इतनी बड़ी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो हम कोई 5 या 10 लोगों को तो नहीं लेंगे ना, सो दैट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमारी स्टडी की कोई ऑथेंटिसिटी ना हो। मिनिमम भी हम 500 लोग तो हर दोनों ग्रुप्स में रखेंगे ना, तो 1000 लोगों का हर 6 महीने बाद लंग कैंसर का डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना, आई मीन इट इज रियली रियली एक्सपेंसिव। बड़ा पैसे चाहिए इसके लिए। दैट मीन्स फंडिंग जब तक आपके पास ना हो आप नहीं कर सकते कोहॉर्ट स्टडी। फिर नंबर 3, एक और ऑब्वियस डिसएडवांटेज जो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स, You need a lot of people to conduct cohort study। भाई मेरे लिए, मैं चाहे रिसर्चर भी हूँ, जाहिर है मेरे पास उन 10 सालों में कोई एक काम तो नहीं होगा कि अच्छा एक कोहॉर्ट स्टडी मैंने स्टार्ट कर दी, बस अब 10 साल मुझे कोई ऑफिस और ये और वो कोई कुछ ना कहे, मैं एक कोहॉर्ट स्टडी कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कोई 10 साल में काम नहीं करूंगा। ऑब्वियसली इवन अगर मैं एज अ रिसर्चर भी काम कर रहा हूँ तो मेरे 10,000 और काम होंगे उन 10 सालों में। तो दैट मीन्स मुझे एक अच्छी भली टीम चाहिए, कम से कम 10, 12, 15, 20 लोगों की, जो कंटिन्यूसली लोगों को फॉलो अप करते रहें, उनका डेटा कलेक्ट करें, उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं, डेटा को एंटर करें, डेटा को एनालाइज करें, साथ साथ किसको किस वक्त डिजीज डेवलप हुई। वो याद है जो हम इंसिडेंस और प्रेवलेंस की हमने स्क्रीन शेयर करके जो मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स या वो केस स्टडीज आप उनको कह लो वो करवाता था कि जी इतने बंदों को मार्च के एंड पे डिजीज डेवलप होगी, इतने बंदों को अगस्त के एंड पे डेवलप होगी, इतने बंदों को अक्टूबर के एंड पे डेवलप होगी। तो इट इज अ होल लॉट ऑफ वर्क, वो आसान नहीं है इसको कंडक्ट करना। सो दैट मीन्स ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि कोहॉर्ट स्टडीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट। ठीक है, ये सारी स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि अब जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इससे रिलेट करती है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन। पेज नंबर इज 181। यानी जब हम कोहॉर्ट स्टडी करने जाते हैं तो हम किस तरह से लोगों को अपनी स्टडी में रिक्रूट करते हैं, किस तरह से एक्सपोज और अनएक्सपोज लोगों को हम अपनी स्टडी में लेते हैं कि अच्छा इन लोग को हम ले लेते हैं, इन लोग को हम नहीं लेते। देयर आर 2 वेज टू डू दिस। there are two approaches to do this. ठीक है बेटे, पहली अप्रोच है कि बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को उनके एक्सपोजर की बेसिस पे डायरेक्टली अपने ग्रुप्स के अंदर एनरोल कर लें। हमने कितने ग्रुप्स बनाने इनिशियली, कोहॉर्ट स्टडी हमने करनी है, हमें कितने ग्रुप्स चाहिए? वी नीड 2 ग्रुप्स। कौन से 2 ग्रुप्स होंगे? एक्सपोज्ड का ग्रुप, अनएक्सपोज्ड का ग्रुप। ठीक है, हमने भाई, मैं आपसे कहता हूं आप एक कोहॉर्ट स्टडी कर दो मुझे, ओके, एक्सरेज एक्सपोजर और डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, ये इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जो लोग एक्सरे से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं उनको कैंसर्स या ट्यूमर्स या म्यूटेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिशियंस एक्सरे वार्ड्स में काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस, फिजिशियन से भी मैं कहूंगा ज्यादा, फिजिशियन है तो चलो प्रिस्क्रिप्शन पे ज्यादातर लिखना है ना कि ओके गेट दिस एक्सरे डन या इस बॉडी पार्ट का एक्सरे करवा लें, जाके फिजिकली फिजिशियन ने तो नहीं करना, किसने करना है? टेक्नीशियन ने करना है। तो वो टेक्नीशियंस खास तौर पे जो हर वक्त एक्सरे मशीन्स और एक्सरे रूम्स, एक्सरे वार्ड्स, वहां पे वो एक्सपोज रहते हैं, उनके अंदर कैंसर्स होने का, ट्यूमर डेवलप होने का, म्यूटेशंस होने का उनकी जीन्स में चांस बहुत बढ़ जाता है। ये बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर पड़ी हुई। अब मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे बेटे एक कोहॉर्ट स्टडी कर दो जिसके अंदर आप एक्सरे टेक्नीशियंस को लो और उनका एक्सपोजर, जाहिर है क्या होगा, एक्सरेज उनका एक्सपोजर होगा, और उनका आप देखो स्किन कैंसर, लेट से 10 साल में उनको स्किन कैंसर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो आप एक कोहॉर्ट स्टडी मुझे डिजाइन कर दो। अब आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपका पहला स्टेप होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 500 लोग लेने ऐसे जो एक्सरे टेक्नीशियंस हो और 500 ऐसे लोग लेने हैं जो एक्सरे टेक्नीशियंस ना हो, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स 500 लोग लेने हैं जो एक्सरे से एक्सपोज्ड होते हैं और 500 लोग लेने हैं जो एक्सरे से एक्सपोज्ड नहीं होते। तो 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप हॉस्पिटल्स में जाओ और डायरेक्टली उन 500 लोगों को अपनी स्टडी में रिक्रूट कर लो, एक्सपोज्ड वाले ग्रुप में जो एक्सरेज रोज करते हैं। 500 लोग, 50 पहले हॉस्पिटल से मिल गए, 100 दूसरे हॉस्पिटल से, 200 तीसरे हॉस्पिटल से, कितने हो गए 150 चौथे हॉस्पिटल से, 500 लोग आपकी एक्सपोज वाले पूरे हो गए। और उनके साथ 500 ऐसे लोग ले लो जो अनएक्सपोज हैं, यानी लेट से आप टेक्नीशियंस ही ले लो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, लेकिन वो वाले ले लो जो एक्सरेज नहीं करते, जो बाकी वार्ड्स में। या आपके, ये पहला अप्रोच है, यानी इन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट अप्रोच में आप ये कर सकते हो कि ऑक्यूपेशन की बेसिस पे लोगों को अपनी स्टडी में रिक्रूट कर लो, सिंपल। मैं आपसे कहता हूं भाई माइन वर्कर्स, ये जो होती है ना, क्या इसको कहते हैं उर्दू में, काने, नमक की कान होगी खियोड़ा में जैसे है, सॉल्ट माइन या सोने की कान, पाकिस्तान में पता नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन चलो, और कोयले की कानें होती हैं बहुत सारी बलूचिस्तान में। जो माइन वर्कर्स होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत होता है तो उनके हियरिंग इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं। ये भी अगेन बहुत सारी रिसर्चेज इस पे हुई। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने देखना है कि जो लोग माइंस में काम करते हैं उनका एक्सपोजर, और उसके ऊपर एक कोहॉर्ट स्टडी कर दो उनके हियरिंग प्रॉब्लम्स, तो ऑब्वियसली आपके लिए सबसे आसान अप्रोच क्या है? आप जाके, बजाय इसके कि आप लोगों से घर घर डोर नॉक करके पूछो कि अच्छा भैया आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो माइंस में काम करता है, बहुत इलॉजिकल अप्रोच होगी ना, आपको टाइम भी बहुत लगेगा और रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। भाई इससे बेहतर अप्रोच है कि आप स्पेसिफिकली, आपको पता है आपका एक्सपोजर क्या है, किस एक्सपोजर पे और किस डिजीज पे आप काम करने जा रहे हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप माइंस में चले जाओगे। माइंस में सारे लोग ही वो होंगे जो माइन वर्कर्स हैं, तो आप 1 या 2 माइंस में जाओगे, आपके 500 या 600 या 1000 जितने भी लोग आपने एक्सपोज वाले ग्रुप में लेने हैं वो आप सारे के सारे वहीं से ले लो। तो ये आपकी पहली अप्रोच है, और ये पहली अप्रोच फिगर 9.4 में बड़ी क्लियरली दिखाई हुई है। स्टार्ट विद एक्सपोज एंड नॉट एक्सपोज, देन फॉलो अप फॉर डिजीज, नो डिजीज एक्सपोज ग्रुप में, और सिमिलरली डिजीज, नो डिजीज, अनएक्सपोज। ये पहली अप्रोच होगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब दूसरी भी एक अप्रोच हो सकती है। वो अप्रोच क्या हो सकती है? वो अप्रोच बेटा ये हो सकती है कि हम पहले एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर लें, ओपन पॉपुलेशन को, कि मैंने भाई एक कोहॉर्ट स्टडी करनी है। मैं ये करूंगा कि लेट से मैं कहता हूं मैंने इस्लामाबाद में एक सेक्टर में मैंने पॉपुलेशन को डिफाइन कर लिया है, से फॉर एग्जांपल G10, लेट से जस्ट हाइपोथेटिकली मैंने अपनी G10 की पॉपुलेशन डिफाइन कर ली। अच्छा, अब मैं सेम एग्जांपल को लेके चलूंगा माइन वर्कर्स वाली स्टडी। मैंने वही करनी है, वर्किंग इन माइंस, जो मेरा एक्सपोजर और डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स। अब मैंने क्या किया, ये अब मैं सेकंड अप्रोच यूज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपनी एक डिफाइन कर ली स्टडी पॉपुलेशन। मैंने कहा मैं G10 सेक्टर में अपनी पॉपुलेशन यहीं से उठानी। अब मैंने G10 को डिफाइन कर लिया। अब सबसे पहला जो मेरा काम है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड लोग चाहिए। अनएक्सपोज्ड तो मैंने उठा ली, एक्सपोज्ड कहां से उठाऊंगा? मैं वेट करूंगा कि G10 सेक्टर में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से लेट से मुझे 500 लोग चाहिए एक्सपोज। उनमें से 500 लोग माइंस में जाके काम करना शुरू करें, फिर 10 साल में उनको फॉलो अप करूं, फिर 10 साल बाद में देखूं कि किसको हेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और किसको हेयरिंग प्रॉब्लम्स नहीं। यानी पहली अप्रोच में मैं क्या कर रहा था, मैं डायरेक्टली प्रोफेशन की बेसिस पे मैंने लोगों को ले लिया, ये एक्सपोज है, ये एक्सपोज नहीं है, मेरा टाइम बच गया। दूसरे अप्रोच में मैं क्या करूं, मैंने पहले पॉपुलेशन डिफाइन की, अब पहले मैं उनके एक्सपोज होने का वेट करूंगा। भाई G10 सेक्टर में से जरूरी है 500 लोग मुझे मिल जाएं जो माइंस में काम करते हैं, बिल्कुल तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। इस्लामाबाद है, बड़ा मॉडर्न सा सिटी है, यहाँ से कौन जाता होगा माइंस में काम करने? मे बी 1 या 2 या 3 लोग हूँ। अब पहले इसका मतलब बैठ के 40 साल तो मैं वेट करूं कि 500 लोग ऐसे निकले यहाँ से जो माइंस में जाके काम करें, फिर अगले 10 साल में उनको फॉलो अप करूंगा कि उनको डिजीज, हियरिंग प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं या नहीं। तो दैट मींस कि ये जो दूसरी वाली अप्रोच है भाई, ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा अगर आपसे कोई पूछता है? इसलिए टाइम लगेगा कि पहली अप्रोच में हमें एक्सपोजर होने का वेट करने की जरूरत नहीं थी। हमने किस चीज का वेट करना था? डिजीज डेवलप होने का। दूसरी अप्रोच जो हम डिस्कस करें, इसमें पहले हमने एक्सपोजर होने का वेट करना है, फिर हमने डिजीज डेवलप होने का वेट करना है। भाई डबल ट्रिपल काम हो गया हमारा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाली अप्रोच जो सेकंड अप्रोच है बहुत ज्यादा टीडियस है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम कौन सी अप्रोच करते हैं? हम जनरली तो जाहिर है फर्स्ट अप्रोच करते हैं, जो हमारी जिसमें टाइम कम लगता है। बट समटाइम्स ये होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें सेकंड अप्रोच करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे फिर ऑब्वियसली हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स प्रोफेशन ऑक्यूपेशनल बेसिस के ऊपर एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर डिटर्मिन करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फिर आपको सेकंड अप्रोच से जाना, ठीक है, कि आपको वेट करना पड़ता है कि भाई पहले इन लोगों में एक्सपोजर हो और फिर इन लोगों में डिजीज हो, ठीक है। ऑल्दो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, और इसका जो डिजाइन है वो फिगर 9.5 में दिया हुआ है। देखो हमने स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट विद डिफाइंड पॉपुलेशन, देन फॉलो अप फॉर एक्सपोज्ड एंड नॉट एक्सपोज्ड। वेट किया ना, पहले तो सिर्फ पॉपुलेशन डिफाइन की, भाई अभी कोई एक्सपोज अनएक्सपोज कुछ नहीं है। अब उनमें से वेट करना है कि भाई मे बी 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे लोग को एक्सपोज्ड होने में, और यहाँ पे नॉन एक्सपोज्ड होने में। और फिर मजीद जो जितना डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है उतने 10 साल या 5 साल या 6 साल वेट किया, किसको डिजीज डेवलप हुई, दोनों ग्रुप्स में से किसको डिजीज डेवलप हुई। ठीक हो गया। तो दिस इज how we can select study populations for a cohort study. ठीक हो गया, सेशन बेटे एंड हो रहा है, बिल्कुल 1 मिनट रह गया, हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, 5-6 मिनट है, हम 5-6 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मेरे गले को थोड़ा सा रेस्ट हो जाए और फिर हम टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज को डिस्कस करते हैं। कोहॉर्ट ही हम आज इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे, टाइप्स को हम आगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आते हैं तो पहले आप मुझसे वो क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे फर्दर सेशन को करेंगे। ठीक है, 5-6 मिनट बाद बेटे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।